इस वीडियो में हम सीखेंगे कि YouTube वीडियो की स्पीड या गति कैसे बढ़ाते हैं या कैसे कम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले सवाल ये है कि YouTube वीडियो की स्पीड क्यों बदलें, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, हर किसी की अपनी पसंद है और वीडियोस देखने में भी हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। कुछ लोगों को कई वीडियोस स्लो लगते हैं और धीमी गति से उन्हें लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो जल्दी से बोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आराम से समझ कर देखना पसंद है। जल्दी जल्दी बोलने पर उन्हें ठीक से समझ नहीं आता, खासकर तब जब कोई नई चीज सीख रहे हों उस वीडियो में या कोई मुश्किल टॉपिक पर वीडियो हो। ऐसे में वो वीडियो को धीरे धीरे देखकर समझना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आपका ब्राउजर अपडेटेड होना चाहिए और HTML5 प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, और इसे चेक करने का एक तरीका भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ब्राउजर। ब्राउजर में टाइप करिए youtube.com/html5। अगर आपका ब्राउजर HTML5 प्लेयर को सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पर ये एक टिक सा दिखेगा। देखिए, फिलहाल मैं क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये HTML5 प्लेयर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ओपरा या एप्पल सफारी ब्राउजर्स में भी सपोर्टेड है। चलिए हम एक दो और ब्राउजर देख लेते हैं, जैसे कि ये है फायरफॉक्स। मैंने फायरफॉक्स का अपडेटेड वर्जन अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है टिक मार्क और ये बोल रहा है HTML5 प्लेयर इज करंटली यूज्ड व्हेन पॉसिबल। तो जब भी मुमकिन होगा HTML5 प्लेयर चलेगा। और आपको एक आखिरी ब्राउजर दिखा देती हूँ, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो इनका नया ब्राउजर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये है टिक मार्क और HTML5 प्लेयर यूज होगा जब भी मुमकिन होगा। अगर ये टिक मार्क आपके ब्राउजर में नहीं आ रहा तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और फिर ये टिक आ जाएगा, फिर आप HTML5 प्लेयर यूज कर पाएंगे। चलिए अब YouTube पर जाते हैं और किसी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेते हैं। ये मैंने youtube.com खोला और आप देख सकते हैं कि मैं फिलहाल YouTube में लॉग्ड इन हूँ। चलिए अब कोई वीडियो खोज लेते हैं, जैसे कि क्या कैसे हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट। ये देखिए, ये मेरा एक वीडियो है हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट, और अब मैं इस वीडियो पर क्लिक करके इसे खोल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो चल गया। चलिए मैं इसको एक मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो की स्पीड बदलनी है तो आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना होगा। ये देखिए, ये एक चक्री सी बनी है, इधर क्लिक करते हैं और अब एक डब्बा सा खुल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल बीच में है स्पीड, तो स्पीड में बाय डिफॉल्ट अपने आप से नॉर्मल सिलेक्टेड है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो देखिए, ये एक और नया सा डब्बा खुल गया। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे स्पीड के ऑप्शंस हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, यानी कि उसे तेज करना है, तो आपको यहाँ पर 1.25, 1.5 या 2 क्लिक करना होगा। पहले हम 1.25 पर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसकी स्पीड अब कैसी लगेगी। चलिए इधर क्लिक किया और अब प्ले के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये फास्ट हो गया। इसको एक मिनट के लिए पॉज कर देती हूँ। तो ये तो था ट्रेलर। अब अगर आप आवाज को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 1.25 या 25% स्पीड इंक्रीज से क्या इफेक्ट आता है। ये देखिए, इधर क्लिक किया। आप सीखना चाहते हैं कि मुफ्त वेबसाइट कैसे बनाते हैं? पॉज कर देते हैं। हाँ ठीक ही है, थोड़ा फास्ट है। हम दोबारा से जाते हैं और अब यहाँ 1.25 को हम 2 पर कर देते हैं, यानी कि डबल स्पीड, दुगनी स्पीड अब आ जानी चाहिए। चलिए प्ले के बटन पर क्लिक करके देखते हैं कि दुगनी स्पीड में यही वीडियो कैसा साउंड करता है।
तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम नीकता है। वैसे तो फ्री वेबसाइट बनाने के कई पॉज कर देती हूँ, ये अगर आप ये स्पीड डबल रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको स्पीड कितनी फास्ट चाहिए। ये 50% फास्ट है, आप चाहें तो आप इसे भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब अगर स्पीड को घटाना हो तो ये नॉर्मल से ऊपर देखिए दो और ऑप्शंस हैं आपके पास। ये है 0.5, अगर आप 0.5 पर क्लिक करते हैं तो ये स्पीड आधी हो जाएगी। इधर हम क्लिक करके इसे सुन लेते हैं। चलिए, प्ले के बटन पर क्लिक किया। तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पॉज कर देती हूँ, बहुत ही स्लो लग रहा है। और अगर हम 0.25 या क्वार्टर स्पीड कर देते हैं, यानी कि एक चौथाई, तो ये और भी फनी लगना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसा साउंड करता है। इधर प्ले के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको स्क्रीन पर एनिमेशन तो दिख रही है लेकिन साउंड नहीं आ रहा, यानी कि जब आप स्पीड को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं तो ऑडियो कभी कभी नहीं आता। मैंने तो जब भी टेस्ट किया है, ऑडियो अक्सर बंद हो जाता है लेकिन विजुअल्स दिखते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर जो हो रहा है वो दिख रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा। चलिए इसे हम पॉज कर देते हैं। तो क्या ये सेटिंग्स हमें हर बार करनी होंगी? आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ऊपर मैंने टैब पर क्लिक करके एक और टैब खोल लिया। यहाँ पर मैं एक और वीडियो खोल लेती हूँ। ये देखिए यूट्यूब खुल गया, और कोई और वीडियो टाइप कर लेती हूँ, जैसे कि फेसबुक अकाउंट कैसे खोलें, क्या कैसे। ये देखिए, ये मेरा एक और वीडियो है। इधर क्लिक करके और देख लेते हैं कि हमारी जो सेटिंग्स थी वो वही की वही है या बदल गई है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे खोलें? पॉज कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो सेटिंग है, ये इधर क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड नॉर्मल है, यानी कि सामान्य गति है। अगर आपने इस टैब में अपनी स्पीड बदली भी थी तो ये जो है आपको दोबारा से अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि ब्राउज़र बिल्कुल वही है और सेशन भी वही है, लेकिन मैंने नया टैब खोला तो मेरी ऑडियो की सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट से अपने आप से नॉर्मल हो गई। अब चलिए देख लेते हैं कि यही फीचर जो स्पीड बढ़ाने या घटाने का फीचर है, ये मोबाइल पर उपलब्ध है या नहीं। यहाँ देखिए, मैंने यूट्यूब की ऐप खोली हुई है और ये वाला एक वीडियो है, मैं इसे चला देती हूँ। बताता है कि मोबाइल की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वीडियो में पॉज कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर प्लेयर में कोई भी चक्री नहीं है, कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे कि हम इस प्लेयर की स्पीड बढ़ा सकें, तो फिलहाल हमें नॉर्मल स्पीड पर ही देखना होगा। अगर हम ब्राउज़र पर जाएं तो भी सिचुएशन बिल्कुल वही है। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, ये रहा क्रोम, हम इस पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और यहाँ पर ऊपर टाइप कर लेते हैं youtube.com। हमने YouTube खोल लिया। अब कोई वीडियो हम खोल लेते हैं। ये देखिए, कोई वीडियो पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं, जैसे कि ये रहा एक वीडियो। ये अब मैं ब्राउज़र से YouTube देख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है चक्री सी बनी हुई, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो अब हमारे पास ऑटो प्ले, एनोटेशंस और क्वालिटी, ये तीन चीज़ें आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड जो है वो नहीं है। तो अगर आप YouTube की मोबाइल ऐप से जाते हैं या आप किसी ब्राउज़र से भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्पीड रेगुलेट करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिख रही। यानी कि मोबाइल से अगर आप स्पीड को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो ये वाला फीचर अभी YouTube ने अवेलेबल नहीं किया है, लॉन्च नहीं किया है। तो इसे आप सिर्फ पीसी से ही फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि YouTube ये फीचर फ्यूचर में मोबाइल पर भी
ला दें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, अब आप अपनी पसंद की स्पीड पर YouTube वीडियो देख सकते हैं बस कुछ ही मिनट्स में, बहुत ही आसान है। ट्राई करके मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस या आपका अनुभव कैसा रहा। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि YouTube वीडियो की स्पीड को कैसे बढ़ाते या घटाते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।